जयपुर के एक निजी होटल में रिको और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, एसीएस वीना गुप्ता सहित उद्योग विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। राजस्थान गैस बेस्ड इंडस्ट्री की सेमिनार में देश भर से उद्योगपतियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान में खनिज पदार्थ के भंडार हैं। लिक्विड गैस एलएनजी की लाइन बिछाने के कार्य के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सेमिनार में देश के विभिन्न शहरों और राज्य से उद्योगपति आए हैं। प्रदेश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपलब्धता रही है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में उद्योगपतियों को उद्योग लगाने की कई योजनाएं बना रखी हैं। होटल्स को भी उद्योग की मान्यता राजस्थान सरकार ने दी है। सीएम गहलोत की सोच है कि समय के हिसाब से उद्योग में बदलाव हो। बाड़मेर में स्थित रिफाइनरी के पास पेट्रोजन भी बनाया जा रहा है। कच्चे तेल के साथ रिफाइनरी कार्य करेगी। राजस्थान प्राकृतिक गैस उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान में जहां सौर ऊर्जा उत्पादन और पोटेंशियल जो उत्पादन है 142 गीगावाट आंका गया है और पवन ऊर्जा राजस्थान में पोटेंशियल 127 गीगावाट से अधिक मापा गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में निवेश के स्वर्णिम एक कार्यकाल रहा है। राजस्थान कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में देश भर में मैं मानती हूँ कि यह पहले स्थान पर आने वाला है।